फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानशी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो यस, जस्ट डिड दिस मेकअप और उसको मैंने शूट भी किया है। अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है ना, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, बिकॉज आप लोग इतना पूछते हो कि मेकअप दीदी आपने कैसे किया, शेयर किया, तो मैं उसके ना छोटे छोटे शॉर्ट्स बना लेती हूँ। सो इवेंचुअली धीरे धीरे मैं वो शेयर करूंगी। सो फाइनली आज हम जाने वाले हैं मॉल, जो उस दिन हमारा रह गया था। सो आज पता नहीं कितने सालों बाद वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, कौन सा, आरआरआर ना, आरआरआर, पता नहीं कौन सी मूवी है। मुझे और अनन्या को ज्यादा इंटरेस्ट है पॉपकॉर्न खाने में। सो सुभाष रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, और दिस इज माय आई लुक। हाँ, अनन्या भी रेडी होगी, बस अनन्या को कोम करना बाकी है। अनन्या, अनन्या ने नहा धो लिया है अनन्या को। ओ, बैठे बैठे नींद आ गई। तो चलो फटाफट रेडी होते हैं, फिर हम निकलते हैं। सो अनन्या का ये बैग लेके जाने वाले हैं, उसमें हम लगा रहे हैं सैनिटाइजर की, क्या अनन्या, बॉटल, होल्डर, सैनिटाइजर भी है। सो फटाफट, जब तक सुभाष कैब बुक कर रहे हैं, हम ऊटडी कर देते हैं आउटफिट ऑफ द डे। तो मैंने पहना है ये क्रॉप टॉप, बहुत पहले लिया था, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं इसको पहनने का। फाइनली लाइट इतनी कम, मेरे को फाइनली इसको मैंने पहना है आज। सो दिस इज माय क्रॉप टॉप जैसा है ये, और मैंने पहना है ये शूज नीचे वाइट, ओके, और ये स्ट्रेस जीन्स है, और मेरा ये पर्स, और इसके अंदर है वॉलेट जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, जो मैं आज पहली बार कहीं बाहर लेके जा रही हूँ। मस्त है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। और अनन्या ने क्या पहना है देखो, रुको मैं उधर ले जाके दिखाती हूँ। अनन्या और सुभाष कैब बुक करने में लगे हैं। यस, ये है अनन्या का आउटफिट ऑफ द डे, एंड ये है सुभाष का आउटफिट ऑफ द डे। क्या हुआ उसका बैग, कहने का तो सिर्फ बैग ही ठीक कर रहे हैं। क्या बुक हुआ क्या सुभाष, तुमने अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखाया ही नहीं। अच्छा खड़े हैं सुभाष, दिखा देते हैं, ये है सुभाष का आउटफिट ऑफ द डे, और ये पास से और पास से दिखा देते हैं। हंसते हुए शक्ल है तो सबसे मेन होती है आउटफिट ऑफ द डे में। हाँ चलो, हमारी कैब आ गई है, चलो हम लोग निकलते हैं। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं ना। आज सुबह से अनन्या को वही लग रहा था कि लास्ट टाइम हमारा कैंसिल हो गया था, कि आज हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। कुछ बोल ही नहीं रही है, चुप बिल्कुल। क्या हो गया अनन्या को, इतनी एक्साइटेड कि मामू कि थक गई, नींद आ गई। और अनन्या को बहुत तेज भूख लग गई है, अनन्या को इतनी भूख लग रही है अनन्या बस फेंट ही होने वाली है। हाँ अनन्या, उसको यहीं बाहर आके भूख लगती है। हाँ, घर पे भूख नहीं लगती, बाहर आते इसको सबसे पहले इतनी भूख लगती है कि हमको कुछ नहीं देखने देते, बस भूख लगी है, भूख लगी है। और इस बार फिनिक्स मॉल में हम लोग आए हैं, फिनिक्स मॉल बैठ रहे सारा, कौन सा है जापनीज टाइप कुछ, तो उन्होंने जापनीज ब्लॉसम और जापनीज टाइप पूरा थीम कर रखा, बड़ा मस्त सा, बहुत सुंदर। अभी तक अनन्या को इतनी भूख लग रही थी कि अनन्या फेंट होने वाली थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फन सिटी पहुंचे, कहती है अरे खाना बाद में खा लेंगे, पहले राइड कर लेते हैं, अभी तो खाना ही खाएंगे, पहले राइड बाद में। सो अनन्या ने मंगाया है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज को कोक में डिप करके खा लिया अनन्या। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है अनन्या यार। और मैं दिखाती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है, तू खा यम्मी। और हमारा है यहाँ पे सिजलर। इतना बकवास और इतना टेम्पटिंग है ना, मतलब 300 रुपए सुभाष, एक बार सुभाष ने ट्राई कर लिया, एक बार अनन्या ने ट्राई कर लिया, जितने की इसके टॉय की क्वालिटी है ना, 300 में ऐसे दो टॉय आ जाएगा 300 रुपए से। ऑब्वियसली डीप कनेक्शन लाइट्स अ स्पार्क, इट्स लाइक यू नो मी इन द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट, वी ड्रीमर्स। अब इतना बोर हो रही है, कितना इंटरेस्टिंग है।
सबसे मजा आया उस कार राइड में है ना अरण्या? कितना एक्साइटिंग और एडवेंचरस था। बाप रे अरण्या तो डरी गई थी बिल्कुल, है ना। हम आए थे जरा होम सेंटर, एक्चुअली किचन के थोड़े बहुत सामान लेने थे मुझे, सो वही थोड़ा चेक कर रहे हैं। हम आइसक्रीम स्कूप देख रहे हैं, हम कंफ्यूज हो गए। ये है जो ऐसे करके ना स्कूप निकालता है, और ये वाला है जिसको हमको शायद अंदर प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको ऐसे चलाना पड़ेगा। अगर आइसक्रीम बहुत हार्ड है तो उसको दबाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा। अभी सुभाष कितना? 550 का, तो पता नहीं महंगा है काफ़ी, तो भाई देखते हैं। बाकी कुछ चीज़ें तो हमने ली हैं किचन की, और देखते हैं कुछ। ये मस्त लग रहे ना मार्बल प्रिंट के कप, मेरा तो बिल्कुल नज़र मार्बल में ही जाता है। सबसे पहले मार्बल कह रही हूँ, सबसे पहले कप में है ना, मस्त लग रहा है ना मार्बल प्रिंट पे। यहाँ पे ब्लू है, गोल्डन है, और पूरे इनके साथ ना बोल्स भी हैं, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। और ये कितना सुंदर लग रहा है, तब मस्त। सुभाष ना लेने नहीं दे रहे मेरे को, मस्त लग रहा है ये वाला। और कुछ भी कलर ले लो, वाइट हमेशा अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर हल्की सी ऐसे हाँ गोल्डन कलर हो ना। जब बड़ा किचन होगा ना अपना खुद का सुभाष, जब अपने किचन होगा ना खुद का, तब लेंगे। मैं अभी रखने की जगह नहीं है, ले ले लेकिन रखने की जगह नहीं है। पता है अभी ना वॉश करने का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिश वॉशर हो गया है ना, बस रखने की जगह है का प्रॉब्लम है। My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough, I try my best to look away but I can't stop. Am I a freak to you? We almost touch, I feel your body move my way, you're close enough. So I say, can't take my eyes off you. You were all I see. Can't take my eyes off you. You know what I mean. Can't take my eyes off you. You are all I see. Can't take my eyes off you. Take my eyes off you. और मुझे ना ये वाले कर्टन्स आए हैं कुछ तो नए, इनके अलग मटेरियल के लिए देखो, बहुत ही मस्त लग रहे हैं। बहुत ही गंदे मैले होते हैं। सुभाष बिल्कुल कुछ भी नहीं लेने दे रहा है। बहुत मैले होते हैं वो। अरे तो धुल जाते हैं पापा, मैले होते हैं तो धुलना तो बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल है ये, बिल्कुल वो समरी टाइप होता है ना, जस्ट लाइक दैट। एंड प्रिंट इतने प्यारे हैं इसके, बहुत ही अच्छे हैं ये वाले सारे। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं मूवी देखने के लिए, घूमे फिरे थोड़ा मॉल, कुछ काम था कुछ भी काम नहीं हुआ, बट चलो हम मूवी देखेंगे। यार अरण्या कैसा लग रहा है मूवी देखते हुए इतने सालों बाद? मस्त आई ने तो आज पूरे दिन ऐसी है आंसर कुछ नहीं करी, शी सो एक्साइटेड इस चीज के लिए। आई ने मूवी देखने आती है, आई ने को मिल गया, हां इसी के लिए पूरा वेट कर इसी के लिए वेट कर दिया। सो मूवी देख ली, अभी हो रहे हैं 10:15, और चाय पीने का इतना मस्त मन कर रहा है। बस अभी हम आए हैं चाय पॉइंट में, अभी पियेंगे चाय। वो कहते हैं शाम की चाय आज मिस हो गई थी। क्या बोल रहे हो? फोन क्या आया अभी? गेमिंग है कोई नया एरिया। ओहो ओहो, ये कुछ नया खुला है यहाँ पे, टाइम जोन बच्चों के खेलने का। अभी नेक्स्ट टाइम अरण्या का टारगेट। अरण्या घर में हो या ना हो, आपके साथ चाय चीयर्स करना तो बनता ही है। कैसी लगी सुभाष मूवी? मूवी वाज ऑसम, और हॉल में देखने वाली एक्शन, जस्ट एक्शन थोड़े से तो मतलब स्टोरी लाइन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, बट देन सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं ना, एग्जैक्टली बाहुबली जैसे है ना वैसे एक्शन, मतलब एक्शन के लिए स्पेशली। सो बनता है, देखना बनता है, और वो भी मूवी हॉल में आके, मूवी हॉल में आके देखना बनता है। हाँ चलो चीयर्स फ्रेंड्स, मुझे उधर अकेला छोड़ के चाय पीने के लिए। अरण्या और सुभाष ने कर ली, देखा कितना लेके आई है। और बचे नहीं थे दुकान में कि जो जितने बचे थे उन्होंने बोला कि सर आप ही ले जाओ, हैं ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली दो स्टोर है, एक नीचे एक ऊपर, ऊपर वाले में ख़त्म था, तो यहाँ पे जाके दोनों चेक करके लेके आए कि ले लो फुल ले लो, कहीं ख़त्म ना हो जाए सारा का सारा। अनन्या हे फ्रेंड्स, आज मैं मिल रही हूँ आपको सैटरडे को
थर्सडे के बाद जो आपने क्लिपिंग सारी देखी ना, मूवी हम जो गए थे दैट वाज ऑन थर्सडे, बहुत ही अमेजिंग टाइम हमने स्पेंड किया. आई मीन इतने दिनों बाद हम लोग गए थे बाहर, सो एक क्वालिटी फैमिली टाइम होता है ना वो स्पेंड किया, बहुत इंजॉय किया. सो काफी लेट हो गया था आते आते, इसलिए मैं व्लॉग एडिट और पोस्ट नहीं कर पाई फ्राइडे को, बट मैंने एक शॉर्ट डाला था सो मैंने खाली नहीं छोड़ा. तो नहीं देखा तो वो शॉर्ट पक्का देख लेना. और यस, उसके बाद हमने होम सेंटर से कुछ सामान लिया. मैंने अपने एनिवर्सरी, यस हमारी एनिवर्सरी है वेंसडे को 20th अप्रैल को, तो उसके लिए भी कुछ ड्रेस की शॉपिंग करी है, वो मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगी. होम सेंटर से कुछ सामान लिया था, मुझे कुछ और भी लेना था लेकिन सुभाष ने मुझे लेने नहीं दिया. बेसिक कुछ चीजें ली है, मैं आपको दिखाती हूँ वो. और कल था बंगाली न्यू ईयर और बहुत सारे यू नो स्टेट्स के न्यू ईयर थे. आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. तो कल भी मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं बिकॉज परसों हमारा कुछ काम था वो रह गया था, तो कल हम उसी में निकल गए थे. आइसक्रीम खाया नेचुरल्स का. यस, नेचुरल की आइसक्रीम से याद है, आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो बेसिकली थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है, तो वो मुझे पता चल गया है. सो अब मुझे ये है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे नेचुरल्स की आइसक्रीम पक्का मिलेगी. मैं आपको दिखा देती हूँ होम सेंटर से मैंने क्या क्या लिया था. सो सबसे पहले मैंने लिया एक चाय छन्नी. एक ना चाय छन्नी जितना हो ना उतना ही मुझे लगता है कम पड़ता है, तो एक ये चाय छन्नी है. एक लिया है मैंने विस्किंग, वो केक वगैरह बनाते हैं ना, मेरा जो वो एक सिलिकॉन का था वो ज्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, विस्किंग के लिए ना स्टील का, ये स्टेनलेस स्टील का मुझे लेना था, तो एक मैंने ये लिया है. और एक ये लिया है सिलिकॉन का स्पैचुला. ये सेम कलर का मेरे पास ना ऑयलिंग ब्रश है, तो मुझे ये दिखा तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, ये ले लिया है. एक मुझे आइसक्रीम स्कूप और करने का और लेमन स्क्वीजर लेना था, वहाँ पे वो काफी महंगा पड़ रहा था, तो हमने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन सिमिलर ही क्वालिटी का हमें बेटर प्राइस में मिल रहा था, तो मैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी. और मुझे प्लेट्स और कप्स लेने का इतना मन कर रहा था ना, सुभाष ने लेने ही नहीं दिया. चलो एनीवेज, और यस शॉर्ट जो मैंने डाला था ना उसमें जो मैंने ड्रेस पहनी थी, काफ्तान आजकल बहुत चल रहे हैं, सो ये है वो काफ्तान ड्रेस. ऐसे आप ब्लू और जो है ना बिल्कुल फ्लोई फ्लोई मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है समर में, और काफ्तान तो आजकल फैशन में है, सो दिस इज वेरी नाइस. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तो इसका शॉर्ट है, इनकेस आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट चेक करके तो आपको दिख जाएगा. इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी मैंने एक रील डाला है. ओके, मिला नहीं है शूटिंग करके. बैग कैसे टांग के लेके आई है? फंस गया. फंस गया ऐसे कैसे फंसाया तूने? घुसाया कैसे? रुको. सोनिया निहाली मैडम के साथ गई थी, तो निहाली के पापा भी थे साथ में. सुभाष गए हैं क्रिकेट. फिर आंटी. अच्छा आंटी आई थी आज. अच्छा निहाली की मम्मा आई थी. सो सुभाष सुबह क्रिकेट खेलने गए हैं इसलिए. क्या हो गया? क्या हो गया अनन्या? तो बर्न ही होगा ना, धूप में स्विमिंग करोगी तो. जाओ फटाफट जाके नहाओ, जाओ. गो आउच 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 आउच. गीला गीला कर रही है मेरे को शैतान. ये अनन्या मेरी छोटू सी, जाओ नहाओ फटाफट. जो भैया अनन्या आई और फिर अनन्या के पापा भी आ गए. और हार के आए या जीत के आए? हार के. बोल हार के. हर रोज हार के आता है, हर रोज. पता नहीं जाता है कि वो इंसान खेलने के लिए. स्विमिंग करके आई है. हाँ सुप्रिया थी साथ में. शाम को नहीं जाएगी? पता नहीं, वो उससे पूछना, वापस जाएगी कि नहीं. सुबह उठ के 6 बजे जाते हैं खेलने के लिए, फिर हार के आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर हार के आ जाते हैं. कल सुभाष बोला था ना हार जीत तो लगी रहती है, मैंने कहा हार जीत लगी रहती है, तुम्हारी सिर्फ हार ही हार लगी हुई है. मैं जब से व्लॉग कर तब से एक बार मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूं किस बार जीत क्या है. पहले के 4-5 मैच जीते हमने, तो मुझे वो मुझे याद नहीं है. हार ही रहे हो जब जब से मुझे याद है. आराम से अनन्या, आराम से. उल्टा क्यों होता है? क्या जो हारे वो भूल जाओ, जो ऐसा ही होता है, दुनिया की रीति यही है. नेगेटिव चीजें याद रहती हैं और पॉजिटिव चीजें भूल जाते हैं. अनन्या गई है नहाने के लिए और सुभाष वेट कर रहे हैं अपने टर्न का कि अनन्या का हो तो नहाए. तो स्विमिंग जाओगे फिर? अनन्या भी जाएगी स्विमिंग वापस? देखा अनन्या को स्विमिंग पूल से निकालना, तो मतलब वो जो वहां पे रहते हैं ना गार्ड विसल मार मार के पुश करके निकालते हैं. चलो आप में से ना मेरे काफी फ्रेंड ने पूछा था मेरे स्किन केयर के बारे में समर, तो मैंने समर में ना कुछ एक दो चीजें नई ट्राई करी हैं, वो फटाफट शेयर कर देती हूँ. सो सबसे पहले दिन के टाइम पे मैं बता रही हूँ बेसिकली आपको. तो ईक्लैट, ये आपको पता है कि मैं तो कितने टाइम से ये विटामिन सी यूज कर रही हूँ ईक्लैट का. सो दिस इज वेरी नाइस अगर आप यू नो विटामिन सी यूज करते हो. और ये मैं बहुत बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. सो मॉइस्चराइजर में आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस न्यूट्रीडर्म. 2 हफ्ते हो गए यूज करते हुए, बहुत ही अच्छा है. इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है और लाइट वेट है, ठीक है, स्टिकी नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टिकी क्रीम है. अच्छा मॉइस्चराइजर अगर आप देख रहे हो ना, दिस इज अ डेफिनेटली, मैं कहते ना हाईली रिकमेंडेड क्रीम, बहुत अच्छा है. सो मॉइस्चराइजर के बाद समर है तो सनस्क्रीन, गुड सनस्क्रीन इज अ मस्ट. तो सनस्क्रीन मतलब तो आपको ये पता ही है अब कि फॉरेस्ट एसेंशियल का ही है ये. अभी तक मैंने किसी और में स्विच नहीं किया बिकॉज आई जस्ट लव दिस.
बहुत अच्छे से स्किन में फैल जाता है ना, स्किन में एक अच्छा सा ग्लेज देता है। जो आप बोलते हैं ना मानसी आपकी स्किन इतनी शाइन कैसे करती है, इसको लगाती है ना एक अच्छी सी ग्लेज आती है फेस पे, लगता ही नहीं आपने कुछ सनस्क्रीन लगाया हुआ है, थिक सा नथिंग, दिस इज अमेजिंग। ट्राई नहीं किया ना अब तक तो पक्का ट्राई करना। ओके, नाउ कमिंग फ्रॉम दिस टू बॉडी लोशन, में मैं यूज कर रही हूँ ये अभी इसका बॉडी शॉप का, बॉडी शॉप का सम, ये विंटर में आई वॉज यूजिंग देयर बॉडी बटर, और अभी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस बॉडी क्रीम, जो देखोगे आप ये ऑलमोस्ट इतना खत्म हो गया है, बिकॉज सुभाष अनन्या भी यही लगाती है, मैं भी यही लगाती हूँ, तो अभी इसका एक और नया पैक मंगाना है। बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, और बहुत ना बहुत क्या बोलते सुभाष, बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल हल्का, ये लो, और हाँ बिल्कुल ग्रीजी नहीं, बहुत लाइट, बिल्कुल समर के लिए आप जिसको कहते हैं बिल्कुल कूल कूल सा वैसा, और खुशबू भी इतनी प्यारी है ना, और काफी लॉन्ग स्टेइंग खुशबू है। इस रूम से लगा के अगर निकलो ना दूसरे रूम में, तो उस रूम में अगर आप जाओ ना कोई और बंदा, तो उसको भी इसकी खुशबू आएगी, बहुत प्यारी खुशबू है ये। दो तीन और उसमें आता है, आमंड है आपका, स्ट्रॉबेरी की भी बहुत अच्छी है इसकी, और इसका बॉडी वो ब्रिटिश रोज वो भी मैंने यूज किया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एक और मैंने मंगाया था बिकॉज मेरे हाथ बहुत ड्राई होते हैं, ये प्लम का मंगाया था मैंने बॉडी बटर, बटर इसलिए बिकॉज मेरे हाथ काफी ड्राई होते हैं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब आई डोंट नो इसका टेक्सचर कैसे बोलूं मैं, बस बड़ा पाउडरी सा, ऐसे स्मूथ सा नहीं है, ऐसे लगाने की वजह से आपको बटर सा या फिर क्रीमी सा फील हो ना, वैसा नहीं है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगी, सो दिस इज समथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे वनीला रिसेंटली इसकी खुशबू वगैरह बहुत अच्छी लगने लगी है, बट प्लम का ये बॉडी बटर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसको जैसे तैसे खत्म करना पड़ेगा। बट प्लम का ये मैंने आपके साथ शेयर किया था बॉडी लोशन, ठीक है, ये हवाईयन रुम्बा वाला, ये तो मैं वापस ऑर्डर करने वाली हूँ, आप देखोगे कि मैंने इतना खत्म कर ही दिया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अच्छा हमने, और ये मेरे यहाँ पे जनरली रखा रहता है, ऐसा रखा रहता है, तो बहुत जैसे किचन से है ना हाथ वाथ धो लिया तो इजी टू यूज है बहुत, क्योंकि पंप है इसमें, और इसकी खुशबू हवाईयन रुम्बा बिल्कुल समर फ्रेश खुशबू, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, तो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली गो अहेड बॉडी लोशन में। नेक्स्ट कमिंग टू लिप्स के हैं, लिप्स का ये तो है लिप बाम, ठीक है, ये तो आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है, जूसी केमिस्ट्री का है, बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जैसी खुशबू है, आप समर में लगाते हो ना बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है, तो ये तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं उसको ऐसे करके स्क्रेप करती थी, नाखून के अंदर घुस जाता था, तो अब समझ में आ गया नाखून के पीछे से लगाओ, तो बहुत ही लाइट है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है लिप्स को। ये एक चीज है जो मैंने फर्स्ट टाइम एवर ट्राई किया है एंड आई लव इट, पहला स्लीपिंग लिप मास्क है ये मेरा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लिप पे लगाना है हल्का सा, बिल्कुल मैं आपको इसको लगा के नहीं दिखाऊंगी ऐसे करके, बिकॉज ये इतना ही एक टाइम में यूज होता है, हल्का सा लगता है रात को लगा के, सुबह उठ के जस्ट वाइप इट ऑफ, एंड मैं ये नहीं बोलूंगी कि वन टाइम में आपको डिफरेंस दिखेगा, वन वीक आप जैसे इसको यूज करके देखो, यू विल फाइंड कि आपके लिप्स कितने सॉफ्ट और क्लीन हो जाते हैं। सो दिस इज बाय द ब्रांड लानेज, I hope I am not pronouncing it wrongly. So, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, सो आप वहां से इनके प्राइस और डिटेल्स अगर आपको चेक करना, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। ये देखो सुभाष, देखा तुमने ये? ये एक्चुअली मेरा एक पुराना फोन था, रुको मैं दिखाती हूँ, वो खराब हो गया था, मतलब मेरा नया फोन आ गया था, तो अनन्या उस फोन को यूज करती थी, ठीक है, तो काफी दिनों से इसका बैटरी खराब हो गया था, चार्ज नहीं हो रहा था, हाँ, तो आज मैंने नया बैटरी से चार्ज पे लगाया, तो कुछ रेनबो आ गया, तो अनन्या आई मेरे को थोड़ी देर बाद बुलाती, मम्मा आके देखो, ये देखो इसने इसके ऊपर उसको कवर चढ़ा दिया बेचारे को, और ये कपड़ा लगा दिया, रेस्ट इन पीस माय फोन ब्लूबेरी और हार्ट और क्या क्या दे दिया इसको इसको ब्लूबेरी क्यों, क्या वैसे इसका नाम रखा है मैंने ब्लूबेरी, सैमसंग के फोन को ब्लूबेरी, वैसे ब्लूबेरी तो वैसे ही आवाज की हो गया रेस्ट इन पीस, मतलब क्या एकदम से दिमाग में आता है बच्चों के। तो चलो फ्रेंड्स, अभी करेंगे हम लोग लंच, और आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, सो आई रियली होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, और किया है तो यस लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, तो चलिए यस चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड यू ऑल स्टे सेफ, बाय बाय।